आज हम इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जोनल काउंसिल के बारे में देखेंगे, पूरा जोनल काउंसिल देखेंगे कि किस तरह से कौन से जोनल काउंसिल में कौन से स्टेट आते हैं और अदर इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जैसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट और अदर इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हमारे द्वारा देखे जाएंगे। देखो पहले फ्रंट पेज के आर्टिकल की बात कर लेते हैं। पहला इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो फ्रंट पेज पर है वो रिलेटेड है हमारे कतर में जो इंडियंस हैं उन्हें जेल का टर्म्स दिया गया था। देखो 8 इंडियंस थे जिन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया था कतर ने इन केस ऑफ स्पियोनेज, मतलब कि स्पाई के केस में उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया था, मतलब सजाए मौत दी थी, मगर इंडियन डिप्लोमेट ने अपने गट्स से और अपने डिप्लोमेसी से इनकी सजा को पहले रुकवा दिया था। अब इनकी सजा जो है 60 डेज कर दी गई है कतर गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है जिससे ये पता लगता है कि इंडिया के स्ट्रेटजिक टाइज और इंडिया के रिलेशन कतर से कितने अच्छे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है हमारे इंडियन गवर्नमेंट के लिए और इंडिया के उन परिवार लोग के लिए जो लोग तो डिफेंस की इंडस्ट्री में जॉब कर रहे थे उन्हें स्पाई के केस में फंसा दिया गया था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा रिलेटेड है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से। देखो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट मतलब ह्यूमन राइट डे मनाया गया 10 दिसंबर को। देखो कोई भी हम आर्टिकल लाते हैं अगर आपको ये लगता है ये आर्टिकल लेट आया है तो उसका रीज़न होता है कि हम उस पर प्रॉपर फैक्ट कलेक्ट करते हैं और वो फैक्ट जो प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं उन पर ध्यान दिया जाता। तो ह्यूमन राइट डे जो है सेलिब्रेट किया गया 10 दिसंबर को। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि ह्यूमन राइट डे या फिर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को 75 ईयर हो गए हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इसी दिन बहुत सारे ह्यूमन राइट से रिलेटेड हमने क्लॉज लाए ताकि सभी को ह्यूमन राइट मिल सके, वो डिकॉलोनाइज हो सकें, उनके फंडामेंटल राइट डिसाइड हो सकें। देखो पहली बार जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट UDHR जो आया था वो 1948 में आया था। इसमें ये लाया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। इस बार 2023 की थीम क्या रही, इस बार थीम रही फ्रीडम इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। थीम याद रखना ज़रूरी है, कभी कभी UPSC थीम पूछ लेता है, अगर याद नहीं रखते हैं तो कोई बात नहीं, एक बार ज़रूर पढ़ लें अच्छे से। ह्यूमन राइट डे की थीम रही इस बार फ्रीडम इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। अब ह्यूमन राइट के बारे में देख लेते हैं। देखो क्या होता है, कुछ राइट इनहेरेंट होते हैं। कैसे इनहेरेंट होते हैं, सभी को इक्वलिटी मिलना चाहिए, किसी को भी सेक्स के बेस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, नेशनलिटी के बेस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, लैंग्वेज के और रिलीजन के बेस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। इस तरह के राइट जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में यही चीज़ें बताई गई हैं कि सबको राइट टू लाइफ है, लिबर्टी है, बोलने का अधिकार है, स्लेवरी से दूर रहने का अधिकार है, टॉर्चर आप उसे नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें इस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में बताई गई हैं। इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, आप इम्पॉर्टेंस देख लो। पहले इन्होंने बताया है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है क्या। देखो 10 दिसंबर 1948 में क्या किया गया, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने UDHR को प्रोक्लेम किया और कहा ये जो स्टैंडर्ड हैं सभी पीपल के लिए हैं और सभी नेशन के लिए हैं। इसमें एक प्रियम्बल बनाया गया, 30 आर्टिकल रखे गए और 30 आर्टिकल में फंडामेंटल राइट और फ्रीडम के बारे में बात की गई। सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसे 500 लैंग्वेज में ट्रांसफ़र किया जा चुका है, ट्रांसलेट किया जा चुका है। और दूसरी चीज़ यह है कि कुछ कंट्री ने फंडामेंटल जो राइट हैं वो अडॉप्ट किए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट आया तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी अफ्रीका की और बहुत सारी अदर कंट्री की अदर एरियाज़ की अदर प्रोविंसेस की कंट्रीज थी जो कॉलोनाइज थी। उसके बाद क्या हुआ, ह्यूमन राइट यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के बाद क्या हुआ, वो कंट्री जो कॉलोनाइज थी उन्हें डीकॉलोनाइज किया गया, उनके राइट डिसाइड किए गए और जो ब्रिटिशर्स वहां पर लगातार अपना वर्चस्व बनाए हुए थे उसको ख़त्म किया गया। देखो जो अचीवमेंट क्या हुआ, अचीवमेंट के बारे में बताया गया है। तो गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ नेशन, मैंने बताया सभी नेशन को गाइड करता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में अपने उसके लीगल सिस्टम में उसे लाते हैं, मगर ये
कोई भी ट्रीटी नहीं है और कोई भी लीगली बाइंडिंग नहीं है। मतलब आप अगर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को साइन करते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको इसके प्रोविज़न अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देना ही पड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंस्पिरेशन फॉर द ह्यूमन राइट ट्रीटी, मतलब जो ह्यूमन राइट ट्रीटी होती हैं, अभी तक 70 ह्यूमन राइट ट्रीटी हो चुकी हैं, उनके लिए एक इंस्पिरेशन का काम करता है, ठीक है। ये इंस्पायर्ड करता है मूवमेंट को, जैसे रेसिज्म के खिलाफ मूवमेंट होते हैं, LGBTQ के लिए मूवमेंट होते हैं, डीकोलोनाइजेशन के लिए मूवमेंट होते हैं। तो ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसकी थीम इंपॉर्टेंट है, कब ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन आया था ये इंपॉर्टेंट है, और यूनाइटेड इंडिया ने इसे साइन किया है या नहीं किया है ये इंपॉर्टेंट है, और लीगली बाइंडिंग है या नहीं है। तो ये चीज़ें सब इंपॉर्टेंट हमारे लिए हैं। सिग्निफिकेंस बताया गया, ये मेंस पर्सपेक्टिव से बताया गया है, कैसे डीकोलोनाइज किया गया, सिविल राइट इसके थ्रू USA में बड़े रूल ऑफ लॉ आया। वे फॉरवर्ड में यही चीज़ बताइए कि मिडिल ईस्ट कंट्री में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का असर हुआ, लोगों ने अपने राइट के लिए लड़ाई लड़ी। चैलेंजेस क्या है, इसराइल हमास बार हो रही है, रसिया यूक्रेन बार हो रही है, जीनोसाइड हो रहा है कहीं पर, रवांडा में जीनोसाइड हो रहा है, ये चैलेंजेस है। इसमें चैलेंजेस में क्या कर सकते हैं, इनको एजुकेशन लेवल बढ़ा सकते हैं, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन राइट के लिए यूनाइटेड नेशन अपनी पीस फोर्सेस भेज सकती है, ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, थेरुवल्लूर के बारे में। देखो थेरुवल्लूर, मैं नाम गलत ले सकता हूँ, उसके लिए सॉरी है, क्योंकि ये तमिल लैंग्वेज है। तो थेरुवल्लूर का एक स्टैचू जो है बनाया गया है फ्रांस में, ये फ्रांस में जो स्टैचू बनाया गया है ये हमारे कल्चरल टाइज को बढ़ाएगा। पहली बात हम जान लेते हैं थेरुवल्लूर कौन थे। थेरुवल्लूर को वल्लूवर भी कहा जाता है, एक इंडियन पोएट और एक फिलोसोफर थे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये सिंबल थे विजडम और नॉलेज के, ठीक है। इन्होंने बुक लिखी थिरुक्कुरुल बुक जो लिखी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बुक, ज़रूर आप लिख लेना थिरुक्कुरुल, और राइटर जो है थेरुवल्लूर थे। इसमें क्या है, कलेक्शन है एथिक्स का, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मैटर का, और लव का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। थिरुकुल्लूर इज ऑल इंक्लूजन इथिकल फोकस ऑन अवॉइडेंस ऑफ किलिंग एंड अवॉइडेंस ऑफ फॉल्सहुड। थिरुकुल्लूर में बताया गया है कि कैसे हम किलिंग को ख़त्म करें, अवॉइडेंस को ख़त्म करें, फॉल्सहुड को ख़त्म करें। ये तीन बुक हैं, इसमें आरम है, एक वर्च्यू से रिलेटेड है, पोरोल है गवर्नमेंट एंड सोसाइटी से रिलेटेड है, एंड कमामम है लव से रिलेटेड है। आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, थिरुवल्लूर कहाँ के रहने वाले थे, उन्होंने कौन सी बुक लिखी, ये बुक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, थिरुकुरुल। और ये एक इंडियन पोएट और फिलोसोफर थे, ठीक है। सिंबल थे विजडम और नॉलेज का। देखो ये थिरुवल्लूर की जो प्रतिमा है वो फ्रांस में लगाई गई है। अब इसमें पहले हम उनके सिग्निफिकेंस से पहले हम संगम लिटरेचर को देखो डिस्कस कर लेते हैं। देखो संगम लिटरेचर जो है वो कंपाइल हुआ था मदुराई में। संगम होता था, संगम का मतलब होता था कि जो बहुत सारे पोएट थे, राइटर्स थे, वो एक जगह आकर मिलते थे। तो इस लिटरेचर को फर्स्ट से फोर्थ सेंचुरी CE में कंपाइल किया गया। देखो कहीं पर यहाँ बताया गया है फर्स्ट से फोर्थ सेंचुरी में, कहीं पर थर्ड सेंचुरी BC से लेकर थर्ड सेंचुरी AD तक के बारे में बताया गया। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तोलका प्याम एक बुक है जो ग्रामर की बुक है, आपने तोलका प्याम के बारे में बहुत पढ़ा होगा, और इत्तू तोकई, ये सब बुक्स हैं जो वहाँ पर कंपाइल की गई। अब हम थिरुवल्लूर का सोशल सिग्निफिकेंस जान लेते हैं। देखो थिरुवल्लूर टेम्पल कंस्ट्रक्ट की गई थी 16 सेंचुरी में, कहाँ पर, मयिलापोर में, चेन्नई में, और ये पार्ट थी एकम बरेश्वरार टेम्पल कॉम्प्लेक्स का। एकम बरेश्वरार टेम्पल कॉम्प्लेक्स है चेन्नई में, उसमें एक टेम्पल बनाई गई थेरुवल्लूर के नाम से, ठीक है। टेम्पल मेमोरियल बनाया गया, ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मगर एक बार रीड कर लेंगे, अगर कहीं आ जाता है तो आप मेंस में अच्छे से राइटिंग कर देंगे। इसके अलावा थिरुवल्लूर की एक कन्याकुमारी में स्टैचू भी बनाया गया है, जो 133 फुट टॉल स्टैचू है, ठीक है। इम्पैक्ट क्या होगा इंडिया और फ्रांस के रिलेशन पर, कल्चरल लिंकेज बनेंगे, क्योंकि डिफरेंट कल्चर की स्टैचू बनाए जाएंगे, डिफरेंट कल्चर एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो हमारे कल्चरल टाइज बढ़ेंगे। दूसरी चीज़ डीप रूटेड टाइज, हमारे इंडिया और फ्रांस के वैसे भी हिस्टोरिकल टाइज हैं, तो ये जो टाइज हैं डीप रूटेड हो जाएंगे। हम स्ट्रेटजिकली और सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से फ्रांस से ऑलवेज मदद लेते रहे हैं और अपनी मदद देते रहे हैं। तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि थिरुवल्लूर कहाँ के रहने वाले थे, क्या पोएट थे,
उनके याद में कहाँ पर मेमोरियल बनाया गया, उनकी टेंपल कहाँ पर स्थित है और उन्होंने कौन सी बुक लिखी, ठीक है। संगम लिटरेचर के बारे में जाना, थिरुकुल्लूर को आप जरूर याद कर लेना, थिरुकुक्कुरूल, ये मुझे वर्ड नहीं आ रहा है क्योंकि तमिल लैंग्वेज का है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा रिलेटेड है जोनल काउंसिल का। देखो जोनल काउंसिल से रिलेटेड ये आर्टिकल आया, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, अभी 26th ईस्टर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग हुई पटना बिहार में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ईस्टर्न जोनल काउंसिल में कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, हमारा बिहार स्टेट इन्वॉल्व है, झारखंड स्टेट इन्वॉल्व है, हमारा उड़ीसा हमारा इन्वॉल्व है, वेस्ट बंगाल इन्वॉल्व है और सिक्किम इन्वॉल्व। सिक्किम में क्यों मैंने ऐसे निशान लगाया, देखो सिक्किम जो है नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल में नहीं आता। नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल जो 1972 में आई, क्योंकि देखो जोनल काउंसिल जो आई थी वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू आई थी 1956 का। ये जोनल काउंसिल डिफरेंट जोनल काउंसिल आई थी, नॉर्थन जोनल काउंसिल, ईस्टर्न जोनल काउंसिल, वेस्टर्न जोनल काउंसिल, साउथर्न जोनल काउंसिल और सेंट्रल जोनल काउंसिल, मगर नॉर्थ ईस्ट के लिए कोई स्पेशल जोनल काउंसिल नहीं आई थी। तो 1972 में एक स्पेशल एक्ट पारित हुआ नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल, उसमें सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट आते हैं सिर्फ सिक्किम को छोड़कर। सिक्किम क्या आता है, ईस्टर्न जोनल काउंसिल में आता है, ये आप याद रखना, रट लेना, ठीक है। अब मोर क्या है न्यूज में, अब बिहार ने क्या कहा, बिहार बोला कि हमें जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दीजिए, मतलब अगर जो मीटिंग्स हुई, इसमें बहुत सारी मीटिंग्स हुई, तो ईस्टर्न जोनल काउंसिल में मीटिंग में कहा गया बिहार ने स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस हमें दीजिए। तो ईस्टर्न जोनल काउंसिल में जो जो बातें की गई, और दूसरी बात की गई कि 9th शेड्यूल में इंक्लूड ए न्यू स्टेट लॉ ऑन हायर रिजर्वेशन इन 9th शेड्यूल, बात कही गई कि 9th शेड्यूल में जो रिजर्वेशन की लॉ है वो आप इंक्लूड कीजिए। देखो मैं यहाँ पर दो तीन बातें आपको बता देना चाहता हूँ, स्पेशल कैटेगरी के स्टेटस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल में नहीं है। ये क्या है, एक 5th फाइनेंस कमीशन था, उसने कहा था कि कुछ स्टेट को स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस देना चाहिए, इससे क्या होगा सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद जो है उन स्टेट तक डायरेक्ट पहुंच पाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल प्रोविजन करेगी स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट यहां तक कि 30% अपने बजट का स्पेशल कैटेगरी स्टेट पर खर्च करती है। देखो स्पेशल कैटेगरी स्टेट उन्हें दिया जाता है ये स्टेटस जो बॉर्डर के करीब होते हैं, जिनका हिली टेरेन होता है, ट्राइबल पॉपुलेशन होती है, बैकवर्डनेस होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर कम होता है। तो इस वजह से स्टेटल स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, और इसका मेन रीज़न देने का सिर्फ एक ही होता है कि जो बैकवर्ड स्टेट हैं उनको आगे लाया जा सके, उन्हें और अदर डेवलप्ड स्टेट के साथ मिलाया जा सके। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट के बारे में मैंने एक चीज़ आपको यहाँ बता दी कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट जो होते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविज़न नहीं है। कहीं आप सोचें इनका स्टेट्यूटरी प्रोविज़न है या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये स्पेशल कैटेगरी के स्टेट जो हैं आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी के थ्रू दिए जाते हैं और ये 5th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किए थे। दूसरी बात की गई कि हायर रिजर्वेशन को 9th शेड्यूल में डालना चाहिए। अब 9th शेड्यूल क्या है, 9th शेड्यूल में सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने ये 9th शेड्यूल लाया था। ये लाया गया था जो लैंड लॉ था, जो लैंड से रिलेटेड सीलिंग थी, बहुत सारे जो जमींदार के पास लैंड पहुँच गई थी उसको सीलिंग को बनाए रखने के लिए, मतलब पर्टिकुलर पर्सन के पास कितनी लैंड रहेगी इसके लिए एक लॉ लाया गया था और कहा गया था इस पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं ले सकती, इसके लिए हम 1st अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में 9th शेड्यूल लाएंगे। और 9th शेड्यूल लाया गया और लैंड से रिलेटेड जो लॉ थे वो 9th शेड्यूल में रखे गए। फिर क्या हुआ के 2007 या फिर कुछ IR कोहलू करके केस आया, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 9th शेड्यूल की लॉ भी हम संज्ञान में ले सकते हैं, उन पर रिव्यू कर सकते हैं अगर वो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 को वायलेट करते हैं। आर्टिकल 14 इक्वलिटी को, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच को, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ को। तो इस तरह से 9th शेड्यूल का ओरिजन हुआ। तो यही कह रहे हैं कि आप जो रिजर्वेशन से रिलेटेड लॉ है वो आप 9th शेड्यूल में रख दो। ये दो तीन बातें निकल कर आई हैं, ठीक है। आगे हम इसको फिर से देखेंगे कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस कैसे दिया जाता है, और आपको एक बार वो आप देख लेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा। इशू क्या है, देखो कोई भी काउंसिल की मीटिंग होती है, जोनल काउंसिल की मीटिंग होती है, तो बहुत सारे इशू रिजॉल्व होते हैं। जैसे मल न्यूट्रिशन का इशू आप देखते हैं, गुजरात में बहुत ज़्यादा मल न्यूट्रिशन का इशू है, बिहार में बहुत ज़्यादा मल न्यूट्रिशन का इशू है। मल न्यूट्रिशन का इशू क्या होता है कि आप खा तो पेट भर कर रहे हैं मगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, आप मोटे हो रहे हैं मगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन
नहीं है। पोषण अभियान इसके लिए चला गया, ड्रॉप आउट जो स्कूल में ड्रॉप आउट हो रहा है इस पर बात हुई, स्पीडी ट्रायल पर बात हुई कि कैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट बढ़ाए जाएँ जो ताकि जो इन्वेस्टिगेशन है और जो ट्रायल है वो ईजिली डिस्पोज हो सकें, डिस्पोजेबल ऑफ रेप केस को बढ़ोतरी देने के। बैंकिंग पर बात की गई कि कैसे बैंकिंग एरिया हर कहीं बढ़ाया जाए, और PACS पर बात की गई, क्या है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ये एग्रीकल्चर में क्रेडिट देती है जो जमींदार से बचने के लिए, लैंडलॉर्ड से बचने के लिए, उनके थ्रू बचने के लिए क्या करते हैं, गवर्नमेंट प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ बनाती है, ये बोरोअर्स को लोन देती है और उनसे लोन कलेक्ट करती है और फिर अगेन देती है। तो इस तरह से इस पर बात होती है। नेक्स्ट बात क्या बताई गई है कि जोनल काउंसिल के बारे में देख लो, देखो ये स्टेचुटरी बॉडी है, पार्लियामेंट के एक एक्ट के थ्रू बनी, ये बनाई गई स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंदर। हमारे यहाँ जो क्लासिफिकेशन है जोनल काउंसिल का, देखो नॉर्थन जोनल काउंसिल है, सेंट्रल जोनल काउंसिल है, ईस्टर्न जोनल काउंसिल है, वेस्टर्न जोनल काउंसिल है और साउथर्न जोनल काउंसिल है, ठीक है। अब आप नॉर्थन जोनल काउंसिल में देख लो कौन कौन से स्टेट आते हैं, हरियाणा आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, जम्मू कश्मीर आता है, पंजाब आता है, राजस्थान आता है, नेशनल कैपिटल दिल्ली आता है और यूनियन टेरेटरी अब चंडीगढ़ आता है। आप नॉर्थन जोनल काउंसिल में याद रखना यूपी नहीं आता है, यूपी किस में आता है, सेंट्रल जोनल काउंसिल में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तराखंड भी सेंट्रल जोनल काउंसिल में आता है, ये चीज ध्यान रखने की हो, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, नॉर्थन जोनल काउंसिल के नाम दे देगा तो आप समझेंगे उत्तराखंड तो ऑब्वियस सी बात है नॉर्थ में है तो नॉर्थन जोनल काउंसिल में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ईस्टर्न जोनल काउंसिल में अभी हमने देख ही लिए, बिहार आता है, झारखंड आता है, उड़ीसा आता है, सिक्किम आता है, सिक्किम में एक्सेप्शन है, वैसे नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल में आना चाहिए मगर ये ईस्टर्न जोनल काउंसिल में आता है। वेस्टर्न जोनल काउंसिल में आपको पता ही है गोवा आता है, गुजरात आता है, महाराष्ट्र आता है, यूनियन टेरेटरी दमन एंड दीव आता है, दादर एंड नागर हवेली आता है। साउथर्न जोनल काउंसिल में आंध्र प्रदेश आता है, कर्नाटका आता है, केरला आता है, तमिलनाडु आता है, यूनियन टेरेटरी पांडुचेरी आता है। कंपोजिशन ऑफ जोनल काउंसिल की क्या है, देखो चेयरमैन जो होते हैं हमेशा चेयरमैन यूनियन होम मिनिस्टर रहते हैं जोनल काउंसिल के, और 22 चेयरमैन रोटेट होते रहते हैं हर साल। अगर ईस्टर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग हो रही है तो पहले बिहार का चेयरमैन रहेगा, फिर झारखंड का रहेगा, मतलब ऐसे क्रोनोलॉजी बना दी जाती है। तो 22 चेयरमैन जो है रोटेट होते रहते हैं, देखो यहाँ लिखा भी होगा ईच रोटेट पीरियड ऑफ वन ईयर, ठीक है, और जोनल काउंसिल की मीटिंग हर साल होती है, आप ये याद रखना। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे, आज हमारा डिस्कशन लेट हो गया क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सॉरी, बहुत ज़्यादा मैं उसके लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।